प्राची, आज तो हम बात करें हैं इन फेस मिस्ट की। वैसे मुझे पता करना है कि आप कौन सा मिस्ट इस्तेमाल करती हैं जो हमेशा रहती हैं इतनी तरोताज़ा। अब देखिए, आपकी लाइफ में आते हैं कितने सारे तूफान, कितने सारे ट्विस्ट, लेकिन आप हरदम लगती हैं एकदम फ्रेश। तो चलिए पता कर आते हैं क्या है आज कहानी में एंटरटेनमेंट की ताजगी। लेकर चलते हैं आपको कुमकुम भाग्य के सेट पर। टीवी के सीरियल कुमकुम भाग में रणबीर के साथ साथ रणबीर का भाई आर्यन भी भेष बदल कर पहुंच गया है, क्योंकि वो अपने भाई का साथ दे रहा है और जैसे तैसे कर दूल्हे की जगह पर वो अपने भाई को बिठाना चाहता है। इसलिए तो देखिए कैसे वो पंडित जी को अपनी बातों के झांसे में ले रहा है और कोशिश कर रहा है कि पंडित मान जाए कि दूल्हा चेहरे पर सहरा बांध कर ही मंडप पर बैठे। ये अवतार धारण करना पड़ा स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाने के लिए। तो अब ये कुछ तो क्या बोलते हैं उसको, शैतानी करने वाला है ऐसा बनके रणवीर के साथ मिलके। पंडित जी को मैं अपनी टोपी में उतार रहा हूँ, मैं पंडित जी को ज्ञान दे रहा हूँ। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यूजली पंडित जी ज्ञान देते हैं, मैं उनको अपने ज्ञान में फंसा रहा हूँ। पता नहीं कितना काम करेगा, लेकिन देखते हैं। मैं पंडित जी को ज्ञान दे रहा हूँ कि बस किसी तरह दूल्हे को सहरा पहना दें, क्योंकि दूल्हा जो है सहरे के बिना अच्छा नहीं लगा। सहरा लगा के ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये मैं बता दूंगा तो फिर स्टोरी कैसे, मतलब आप लोग क्या देख के एंजॉय करोगे फिर, ये अभी नहीं बताता। इसमें तो ट्विस्ट है, मेन ट्विस्ट। मैं देखो, साथ तो मुझे रणवीर का हमेशा देना पड़ेगा, मैं रणवीर का भाई हूँ तो मैं साथ तो हर चीज़ में दूंगा। लेकिन हाँ, अब जो सच है मैं उसे उसमें भी कन्विंस कर रहा हूँ कि भाई प्राची शादी कर रही है तो अब कैसे वापस आएगी, क्या कर सकते हैं इस चीज़ में। लेकिन अब हूँ तो भाई तो सपोर्ट भी करूँगा और शैतानी भी करूँगा। व्यूअर्स को बहुत सारा मसाला एक्सपेक्ट करना चाहिए, आप लोगों को बहुत सारी मस्ती मिलने वाली है, बहुत सारा मसाला मिलने वाला है। आप देख ही रहे हैं कि हम अलग अलग अवतार में हैं, क्या पता और लोग और अलग अलग अवतार में आए, फिर आप लोगों को और मज़ा आए। तो बहुत सारे ट्विस्ट हैं, फन है और मज़ा भी है, मसाला मिलेगा। रणबीर प्राची की शादी तो पता नहीं मुझे, वो ऑलरेडी कितनी अब शादी हो चुकी है उनकी, वो लोग तो वैसे तो जन्म जन्मांतर के लिए पति पत्नी बन चुके हैं। अब इस बार क्या होगा आगे वो तो अभी मुझे भी नहीं पता है, वो आपको भी देखना पड़ेगा, मुझे भी वेट करके देखना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और पेठियाँ।